What does the term attitude means? What is the difference between attitude and ego? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एक्सपर्टीज टॉक्स। तो जैसा कि आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक है एटीट्यूड। अब सवाल ये आता है कि एक इंडिविजुअल में एटीट्यूड होना चाहिए कि नहीं। आप में से कई लोग बोलेंगे कि नहीं, किसी में भी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एटीट्यूड सब में होना चाहिए तो, और हम ये भी जानेंगे कि एटीट्यूड और ईगो में क्या डिफरेंस है, तो चलिए जानते हैं इन्हीं सब सवालों के जवाब। तो सबसे पहले जानते हैं कि एटीट्यूड होता क्या है। तो एटीट्यूड ह्यूमन साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है जो किसी भी इंडिविजुअल की स्पेशलिटी को एक्सप्लेन करता है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एटीट्यूड इज अ नेगेटिव एज वेल एज अ पॉजिटिव इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन बिहेवियर। एटीट्यूड मेनली दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, ये कभी भी दुखी नहीं होते और हर काम को पॉजिटिव एनर्जी के साथ करते हैं। अब जानते हैं कि नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है। नेगेटिव एटीट्यूड रखने वाले लोग ज़्यादातर नेगेटिव थिंकिंग की सोच रखते हैं और किसी भी काम को सही से नहीं कर पाते। एटीट्यूड ह्यूमन साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये ही हमारी लाइफ के उतार चढ़ाव को हैंडल करने में हमारी हेल्प करता है। अब जानते हैं कि ईगो क्या होता है और ये एटीट्यूड से कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ईगो होता क्या है। ईगो आइडेंटिटी का ही एक पार्ट है जो कि ह्यूमन सर्वाइवल में हेल्प करता है। ईगो एटीट्यूड का ही एक पार्ट है, बट हर एटीट्यूड ईगो नहीं होता। ईगो मेनली तीन तरह के होते हैं। ईगो के मेनली तीन टाइप्स हैं, इड विच मीन्स आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। इड इड इज द प्रिमिटिव एंड इंस्टिंक्टिव कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इनहेरिटेड एंड एग्रेसिव कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी प्रेजेंट एट बर्थ। इस कैटेगरी के लोग बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं और बाय बर्थ बहुत एग्रेसिव होते हैं। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है ईगो। इस कैटेगरी में आने वाले लोग अपनी स्ट्रेंथ को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखकर चेंज कर सकते हैं। ये लोग नई नई चीज़ें अडाप्ट कर लेते हैं और ये काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं अपने किसी भी वर्क के टुवर्ड्स। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ईगो इज दैट पार्ट ऑफ द आईडी और इड व्हिच हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है सुपर ईगो। इस कैटेगरी में आने वाले लोग बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, ना ही किसी की जल्दी बात मानते हैं और काफ़ी वायलेंट होते हैं। ये लोग अपने से आगे किसी को नहीं देखना पसंद करते। अब सवाल ये है कि ईगो और एटीट्यूड में डिफरेंस क्या है। सो एटीट्यूड आपको दूसरों से अलग बनाता है, मगर ईगो आपको दूसरों से अकेला कर देता है। ईगो की वजह से आप अकेले पड़ जाते हो। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ईगो इज हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ, व्हाइल एटीट्यूड इज हाउ यू फिजिकली मैनिफेस्ट दीज थॉट्स एंड फीलिंग्स। एट लास्ट मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, ईगो, माइंड, ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय एंड स्टे होम, स्टे सेफ़।